रेवाड़ी में मार्केट खुलने को लेकर दुकानदार और आम जनता में असमंजस। आम दिनों की अपेक्षा सड़कों पर अधिक संख्या में आए लोग कार में तीन तो दोपहिया वाहनों पर दो सवारियों की अनुमति के बाद सड़कों पर अपने वाहनों पर बेवजह सन्नाटे पर नजर आए लोग। पुलिस की सख्ती नहीं दिखी बेवजह वाहन चलाने वालों पर। लॉकडाउन 3 के पहले दिन रेवाड़ी में मार्केट खुलने को लेकर दुकानदार और आम जनता कन्फ्यूजन में है, क्योंकि प्रशासन की ओर से सिर्फ किताबों की दुकान को खोलने की परमिशन तो दी लेकिन अतिरिक्त कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। ऐसे में बेखौफ वाहन चालक और आम जनता सड़कों पर ऐसे नजर आए जैसे लॉकडाउन का कोई अर्थ ही ना हो। तस्वीरें ही काफ़ी हैं ये सब बयां करने के लिए। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि रविवार को जिला उपायुक्त ने एक एडवाइजरी जारी कर प्रवासी लोगों के लिए निर्देश दिए थे। जो प्रवासी जहां फंसे हुए हैं अपने घरों को जाना चाहते हैं तो प्रशासन की तरफ से जारी पोर्टल लिंक को खोलकर पूरी जानकारी सबमिट करें, जिसके बाद उन्हें जाने की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि रेवाड़ी में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है और ग्रीन जोन होने के बावजूद भी जरूरी वस्तुएं और मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद है। रोडवेज भी पहले की तरह पूर्ण रूप से बंद है। प्रवासी नागरिकों को उनके गृह राज्य में भेजने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने एक पोर्टल और ऐप शुरू की है। ये सभी लोग जो अपने गृह राज्य में जाने में इच्छुक हैं वो लोग या तो ई दिशा के पोर्टल पर या वो लोग जन सहायक हेल्प मी ऐप पर रजिस्टर करके अपने गृह राज्य में जाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। यदि कोई साथी मजदूर या कोई नागरिक इसमें सक्षम नहीं है कि वो ऐप या पोर्टल पे रजिस्टर कर सके तो वो हमारे जिला की हेल्पलाइन 1950 या राज्य की हेल्पलाइन 1100 उस पे भी कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एपीटीवी भारत के लिए रेवाड़ी हरियाणा से संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए एपीटीवी भारत।